हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज हम मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। टॉपिक है एवरेज। हम एवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे। एक जनरल, एक इजी टॉपिक भी है और क्वेश्चन भी इसमें से आपके एग्जामिनेशन में जो है आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि सिलेबस में जो है ये आपके पास टॉपिक दिया गया है एवरेज का। जानेंगे इसके रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और इसमें जो है क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं वो भी जानेंगे। देखिए, क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा, मैथमेटिक्स जब भी आप पढ़ेंगे आपको जो है प्रिपेयर रहना है। क्वेश्चन आपको इजी भी आ सकते हैं, क्वेश्चन आपको टफ भी आ सकते हैं, डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर जो है वो पेपर कैसे बना रहा है। तो अभी हम जो है आपको हर लेवल पे जो है प्रिपेयर करेंगे, एवरेजेस पे हम क्वेश्चन जा रहे हैं करने। सबसे पहले आप ये देख लीजिए जो एवरेज है उसका कंसेप्ट क्या है, क्या एवरेज जो है वो मीन वैल्यू होती है या वो मिडिल वैल्यू होती है, ये आप समझ लीजिए। एवरेज जो होती है वो मिडिल वैल्यू जो होती है वो नहीं होती है। एवरेज जो होती है वो मिडिल वैल्यू नहीं होती है। एवरेज जो होती है वो कौन सी वैल्यू होती है, वो होती है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एवरेज मिडिल वैल्यू नहीं आ सकती है। बिल्कुल किसी केस में जो है ये मिडिल वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन हमेशा जो है जनरल केस अगर देखेंगे तो ये मीन वैल्यू होती है। अब वो थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो होगा कि एवरेज जो है हम कैसे निकालते हैं, मीन निकालते हैं कैसे हैं, ये आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा है, आपने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा है। और मैंने भी आपको कहा एवरेज जो है वो मीन वैल्यू है। आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा होगा, आपने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ा होगा। तो हमने ये चीज़ें भी इसमें जो है थोड़ी बहुत जो है इस कंसेप्ट पे भी हम क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल के लिए हमने समझना है एवरेज क्या है। एक लेमैन की डेफिनेशन से जो है हम समझेंगे एवरेज का कंसेप्ट। और एवरेज आप जानते हैं क्या होगा, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी। एवरेज होगी वो क्या होगी, एवरेज होगी वो होगी सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी। एवरेज जो होती है वो क्या होती है, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है वो एवरेज होती है। हमारे पास कोई क्वांटिटी दी जाती है, जैसे कि हमने दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक दिया है। हमें क्या करना है, सम ऑफ क्वांटिटी। सम क्या होता है, सम का मतलब होता है ऐड करना। क्या होता है, ऐड करना। इन सारों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 जितना हो गया आपके पास, ये 22 आ गया। ठीक है, अब इस 22 को डिवाइड हम किससे करेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो डिवाइड बाई 6 करेंगे, ये आपकी एवरेज निकलेगी। तो आप समझ गए एवरेज का जो है वो कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्या है। तो इन केस ऑफ सक्सेसिव वैल्यू, एक नोट लिखेंगे आप, इन केस ऑफ सक्सेसिव वैल्यू एवरेज होती है वो मिडिल वैल्यू भी हो सकती है। मैंने अभी आपको कहा एवरेज जो है वो एक मीन वैल्यू है। क्या है, वो एक मीन वैल्यू है। लेकिन एक कंसेप्ट है इन केस ऑफ सक्सेसिव वैल्यू। सक्सेसिव क्या होते हैं, जैसे कि लगातार जो नंबर आते हैं उन केसेस में एवरेज जो होती है वो मिडिल वैल्यू भी हो सकती है। क्या हो सकती है, मिडिल वैल्यू भी हो सकती है। और लगातार सक्सेसिव का मतलब होता है जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस ऐसे केस में जो है एवरेज जो होती है वो मिडिल वैल्यू हो सकती है। अब देखिए क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आता है वो कैसा आता है। अगर आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया, आपके पास कुछ नंबर दिए जाएंगे, बोलेंगे इसकी एवरेज निकालिए, तो आपको कैसे निकालनी है, सम कर देना है क्वांटिटी को और डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। बट हमारे पास कंसेप्ट आते हैं, 3 कंसेप्ट आते हैं। पहला कंसेप्ट रहता है एवरेज जो है आपकी जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है। क्या हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। आपकी एवरेज जो है वो डिक्रीज भी हो सकती है, और आपकी एवरेज जो है वो कांस्टेंट भी हो सकती है। लेकिन ये कब होगा, क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं वो इस टाइप के आएंगे। हमारी क्लास है, क्लासरूम में सपोज 3 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट हैं, और इनकी कंबाइन एज जो है वो 90 है। कितनी है, 90 जो होगी वो इनकी कंबाइन एज होगी, मतलब जो एवरेज एज होगी इनकी वो 90 है। अब क्या करते हैं हम इसमें जो है एक और स्टूडेंट ऐड कर देते हैं, सेम एज का जो है स्टूडेंट ऐड कर देते हैं, तो इनकी एवरेज जो होती है वो कांस्टेंट रहेगी। क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर हम इनमें जो स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं एक चौथा स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं,
उसकी एज जो है इनकी एवरेज एज से ज़्यादा है तो आपकी एवरेज जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम एक ऐसा स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं जिसकी एवरेज एज जो है इन तीनों की एवरेज एज से कम है तो आपकी टोटल एवरेज जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ये तीन कंसेप्ट बनते हैं एवरेज के, और आपको क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में यही आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि इफ़ द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट इज 20 ईयर एंड वी एड अनदर स्टूडेंट ऑफ 23 ईयर्स तो फाइंड द एवरेज एज, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे वो सारे कंसेप्ट कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल के लिए आप इसे समझिए, एवरेज एज इंक्रीज भी हो सकती है, ये बढ़ भी सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, और ये कॉन्स्टेंट भी रह सकती है। एवरेज एज जो है वो कब इंक्रीज होती है? इफ द एवरेज एज, अगर जो है हमारे पास, अगर हम कह सकते हैं कि अगर हम एक्स स्टूडेंट को ऐड करते हैं, सपोज मैं बात करता हूँ, इफ द एवरेज एज ऑफ एक्स स्टूडेंट, लेट सपोज 5 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, अगर 5 स्टूडेंट की एवरेज एज जो है, एवरेज एज जो है वो कितनी है, 10 ईयर्स है, कितनी, 10 साल है, और हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं एक और स्टूडेंट, ऐड वन स्टूडेंट हम इसमें करते हैं, एक और स्टूडेंट हम इसमें ऐड करते हैं जिसकी इंडिविजुअली एज है 15 ईयर्स, तो आप बताइए टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 6 स्टूडेंट हो गए, कितने हो गए, 6 स्टूडेंट हो गए, और 6 स्टूडेंट की टोटल एज कितनी बनी, 50 + 15 जो कि कितनी हो जाएगी, 65 ईयर्स हो जाएगी। तो आप देखिए अब एवरेज एज जो थी पहले जो थी 10 ईयर्स जो थी 5 स्टूडेंट की एवरेज एज, अब वो कितनी हो जाएगी, 65 टोटल सम कर दिया हमने, सम ऑफ टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई कितने स्टूडेंट हो गए, 6 हो गए, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10.99, मतलब एवरेज एज जो होगी 10 की जगह जो है 10.99 हो गई, तो एवरेज एज क्या हो गई, बढ़ गई। अब हम क्या करेंगे, इसी में, इसी कंसेप्ट में हम जो है डिक्रीज वाला कंसेप्ट समझेंगे। देखिए 5 स्टूडेंट की एवरेज एज जो थी वो 10 इयर्स थी, अब हमने एक और स्टूडेंट की एज जो है उसमें ऐड की, एक और स्टूडेंट को ऐड किया, लेकिन उस स्टूडेंट की एज जो है वो 8 इयर्स हम ले रहे हैं, मतलब जो एवरेज एज है उससे कम ले रहे हैं, अब क्या होता है, 6 स्टूडेंट बन जाते हैं, और इन 6 स्टूडेंट की टोटल एज जो होगी 50 + 8 होगा, यानी कि 58 होगा, तो आप बताइए जो एवरेज जो होगी वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, कैसे डिक्रीज होगी, क्योंकि टोटल जो सम ऑफ क्वांटिटी है वो कितना है, 58, और डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आप देखेंगे ये 9.6 ईयर्स आएगा, यानी कि 10 ईयर से कम आया, तो मतलब यहाँ पर एवरेज एज होगी वो डिक्रीज भी हो सकती है। अगला कंसेप्ट जो है वो कॉन्स्टेंट कैसे रहती है, सबसे पहले हम लेट सपोज करेंगे कि हमारे पास जो थे, चलिए हमारे पास जो थे वो 5 स्टूडेंट की जगह 5 स्टूडेंट थे जिनकी एवरेज एज 10 ईयर्स थी, और हमने एक और स्टूडेंट ऐड किया जिसकी एज भी 10 ईयर्स है, तो 6 स्टूडेंट हो गए जिनकी टोटल एवरेज होगी 60 होगी, तो एवरेज निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, वो निकलेगी 60/6, तो आप देखेंगे दोबारा से ये 10 आया, ये भी 10, ये भी 10, तो एवरेज एज जो होती है वो कॉन्स्टेंट भी रह सकती है। ये कंसेप्ट होपफुली आप सभी क्लियर हो गया होगा आप सभी को। क्वेश्चंस करेंगे हम, हर टाइप के क्वेश्चन जो है करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो है मैं आपको लिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन आप लिखिए, देखिए क्वेश्चन आपके पास है, सम ऑफ 5 सक्सेसिव नंबर इज 250। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सम ऑफ 5 सक्सेसिव नंबर जो है कितना है, 250 है, और क्वेश्चन में आपको पूछा गया है फाइंड द ऑल 5 नंबर, पांचों के पांचों नंबर को हमें जो है वो ढूंढना है, वो कौन से नंबर हैं, क्या दिया गया है, कोई से पांच नंबर है जिनका सम हम करते हैं पांच नंबर का वो कितना होता है, वो 250 है, सम ऑफ 5 नंबर जो है वो कितना है, वो 250 है, और हमें क्या निकालना है, फाइंड ऑल द 5 नंबर। आप देखिए मैंने अभी आपको एवरेज का फार्मूला लिखाया था, टोटल सम करेंगे, क्या करेंगे, टोटल सम करेंगे डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, टोटल नंबर को जो हमने डिवाइड करना है, टोटल सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर करेंगे, सम ऑफ 5 सक्सेसिव नंबर कितना है, 250 है। अब देखिए
टोटल सम जो है, सम ऑफ फाइव सक्सेसिव नंबर कितना होगा, 250 है, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं, पांच नंबर है, तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, फाइव आ जाएगा। ये क्या निकला, 50 निकला। और ये 50 क्या चीज है, ये 50 है एवरेज, एवरेज है। आप बताइए नंबर कितने हैं, पांच है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, पांच नंबर है, एक दो तीन चार पांच। और इनकी एवरेज जो है वो कितनी दी गई, जो अभी हमने निकाली वो कितनी निकली, 50 निकली। और ये नंबर क्या है, सक्सेसिव, सक्सेसिव के मतलब जो लगातार नंबर आ रहे हैं, मतलब 50 के बाद 51, 51 के बाद 52, तो 50 है, 50 का अगला 51, 51 का अगला 52, इससे पुराना 59, और इससे पहले वाला 48। तो मतलब वो पांच नंबर जो हिडन थे, वो पांच नंबर 48, 49, 50, 51, 52 थे। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन वहां पर जो है वो इवन ऑड का कंसेप्ट ले आता है। वो कहेगा सम ऑफ फाइव सक्सेसिव नंबर जो थे वो 250 की जगह कहेगा सम ऑफ फाइव इवन सक्सेसिव नंबर, जो इवन जो है वो नंबर जो है सक्सेसिव नंबर वो 250 था। तो कैसे क्वेश्चन होगा, और फिर बोलेगा वो इवन नंबर जो है वो फाइंड आउट करो। उसी कंसेप्ट को भी हम जानेंगे, वैसा ही क्वेश्चन मैं एक बनाऊंगा। अभी आप देखिए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। पहले देखिए इसी क्वेश्चन में चेंजेस करते हैं। पहले हमने 5 लिया था, अब लिख देते हैं सम ऑफ 6 सक्सेसिव नंबर इज 303। फाइंड ऑल द नंबर, ऑल द 6 नंबर, ठीक है। इस दाग को काट लीजिए। इसे भी इसी कंसेप्ट से हमें सॉल्व करना होगा। हम जानते हैं एवरेज क्या होती है, टोटल सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, ये हमारी क्या होती है, एवरेज होती है। टोटल सम कितना है, 303 है। टोटल नंबर कितने हैं, 6 है, तो ये कितने हो गया, 50.5 हो गया। क्या हो गया, 50.5 हो गया, क्लियर हो गया। टोटल नंबर कितने हैं, सम ऑफ 6 नंबर है, 6 नंबर है, और ये 6 नंबर जो है वो क्या है, सक्सेसिव नंबर है। मतलब एवरेज जो निकली आपकी 50.5 है। तब बताइए नंबर कौन से होंगे, तो नंबर कितने हैं, 6 है, एक है, दो है, तीन, चार, पांच, छः। एवरेज कहीं यहाँ पर आ रही है 50.5, तो अगला जो नंबर होगा वो कितना होगा, 51, इससे अगला 52, 53, और यहाँ पर जो नंबर होगा वो होगा, सॉरी, 50 होगा, 49 होगा, 48 होगा। तो क्या है, पूछा गया था सम ऑफ 6 सक्सेसिव नंबर, सक्सेसिव नंबर हुए वो नंबर जो लगातार आ रहे हैं, फाइंड ऑल द 6 नंबर। एवरेज निकाली हमने टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, मतलब 303 अपॉन 6 जो कितनी आई, 50.5, तो ये एवरेज आ गई। अब नंबर कौन थे, वो सक्सेसिव थे, 50.5 जो है ये एवरेज है, और नंबर कितने, 6 है, मतलब कहीं यहाँ पर जो है वो इसकी एवरेज आएगी, तीन इधर जो बीच में होगी वो कहीं एवरेज होगी। 51, 52, 53 वो नंबर होंगे, 50, 49 और 48 वो नंबर होंगे। अब इसी क्वेश्चन में हम और चेंजेज करेंगे, अब इवन ऑड का कंसेप्ट लेते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में हम चेंजेस करेंगे। देख अब हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, सम ऑफ 6 सक्सेसिव की जगह ऑड नंबर कर देते हैं। मतलब सम ऑफ 6 सक्सेसिव ऑड नंबर जो है वो कितना है, ये मिटा ही देता हूं मैं पूरा का पूरा। सम ऑफ 6 सक्सेसिव ऑड नंबर इज 300। फाइंड ऑल द 5, ऑल द 6 नंबर, तो सारे के सारे वो नंबर हमें निकालने हैं। अब कैसे सॉल्व होगा, हम जानते हैं सबसे पहला स्टेप जो होता है, हमें क्या पता है कि एवरेज का फार्मूला क्या होगा, टोटल नंबर यानी कि 300 डिवाइडेड बाई कितने हैं, ये सम डिवाइडेड बाई नंबर। 300 अपॉन 6 करेंगे तो वो कितना होगा, 50 होगा। लेकिन कंडीशन दी गई है कि वो नंबर जो होंगे 6 के 6 वो ऑड होंगे, वो ऑड होंगे। कितने नंबर है, 6 नंबर है। क्या 50 ऑड है, 50 ऑड नहीं है, वो एवरेज है, वो कहीं यहाँ पर लाई करेगा।
50 के नजदीक जो ऑड नंबर है वो कौन सा है? 51 है। और नंबर क्या है? वो सक्सेसिव है, मतलब 51 के बाद जो ऑड नंबर आ रहा है वो कौन सा होगा? 53 होगा, फिर 55 होगा, इससे पहले जो होगा वो 49 होगा, 47 होगा और 45 होगा। और आप देखेंगे वो जो 6 नंबर जो थे वो हमारे यहाँ पर निकल गए। अब हम कुछ और क्वेश्चन जो है वो देखेंगे आगे। अगली वीडियो में जो है मैं आपको जो है वो वेट वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, मार्क्स वाले क्वेश्चन कराऊंगा। और देखिए एवरेज की वीडियोस जो है मेरी ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, और वो बहुत अच्छी वीडियोस है। आप मैथ के सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ के सेक्शन को ढूंढिए, वहाँ पर ऑलरेडी जो है वो डिस्कस किया है। मैथ JKSS भी लिखा होगा और वो अच्छे क्वेश्चन है, ट्रिक्स वाली एवरेजेस भी करवाई है और डिफरेंट दूसरे भी हैं, आप उनको जाके एक बार देखिए।